हेलो दोस्तों, हमने देखा था कि आप ESG में यानी कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और साथ में मैंने आपको बताया था उसके नेक्स्ट वीडियो में कि क्लाउड वॉच क्या होता है, इसमें कैसे आप अलार्म सेट करते हैं, अलार्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दो वीडियोज़ आपने देखे होंगे। नहीं देखा था तो मेरे चैनल में आना, सब्सक्राइब करना, प्लेस्ट वाले टैब में क्लिक करना और इस वाले प्लेस्ट को फॉलो करने से आप ये दो वीडियो देख लें। ये दो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अभी के वीडियो को देखने के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेट करते थे तो वहाँ पर हम लोग डिजायर्ड कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी सेट करते थे, और हमें बार बार डिजायर्ड कैपेसिटी में आके इसको चेंज करना पड़ता था कि नंबर ऑफ इंस्टेंस आपको कितने चाहिए, नंबर ऑफ डिजायर्ड कैपेसिटी आपको कितनी चाहिए, और उसके बेस पे हमारा ये ऑटो स्केल और मतलब स्केल आउट और स्केल इन होता था। इसी चीज़ को ऑटोमेट करना है, मतलब ऐसा हमें जाकर नहीं करना, बल्कि ये किसी पर्टिकुलर अलार्म के बेस पर, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के बेस पर कोई अलार्म चले और फिर हमारा ट्रिगर हो और फिर हमारा जो स्केल इन होना है फिर स्केल आउट होना है वो हमारा ऑटोमेटिकली हो। तो ये आप आज देखेंगे यानी कि ऑटोमेट स्केलिंग पॉलिसी कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चलता हूँ EC2 इंस्टेंस पे, बिकॉज़ यहाँ पर यहीं पर मुझे जाना है। सो यहाँ मैं अभी मैं आपको इंस्टेंस दिखाता हूँ। इंस्टेंस हमारे पास कोई सा नहीं है, टर्मिनेट कर दिया है मैंने सबको, मैंने अपना जो पुराना SG था उसको डिलीट किया, तो ये सारे टर्मिनेट हो गए। ये सारे यहाँ पर हैं बट टर्मिनेटेड हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक लॉन्च टेम्पलेट था जो अभी भी मौजूद है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया है, यही हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास था एक सिक्योरिटी ग्रुप जो हम लोग यूज़ कर रहे थे अपने इंस्टेंस के लिए, तो वही है इंस्टेंस के लिए और लोड बैलेंसर के लिए। देन हमारे पास टारगेट ग्रुप है जो पहले हमने क्रिएट किया था, वही है। देन लोड बैलेंसर भी हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, लोड बैलेंसर के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, बिकॉज इसका मीनिंग यही बनता है लोड बैलेंसर के साथ यूज़ किया जाए। हम लोग बात करते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप की। यहाँ पर कोई हमारा स्केलिंग ग्रुप नहीं है जिस वजह से आपको ये इस तरीके से दिखता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए कोई सा भी, एक MyASG1 लिख दिया मैंने इसमें, और लॉन्च टेम्पलेट में हमने एक टेम्पलेट बनाया था उसी को सिलेक्ट किया, और डिफॉल्ट रहने देते हैं इसको और सिंपली नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। देन यहाँ से ये सब कुछ ठीक है, हम लोग यहाँ से सबमिट लेना चाहें तो ले सकते हैं, A B 2 ले लिया मैंने, और नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। नो लोड बैलेंसर नहीं, पहले लोड बैलेंसर हमें चाहिए, तो हम लोग अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर इसका जो TZ है टारगेट ग्रुप उसको हमने सेलेक्ट किया। देन VPC ये सब कुछ रहने दीजिए, यहाँ पर इसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और आप इसको इस मॉनिटरिंग को ऑन कर सकते हैं। देन आप चाहें तो इसको भी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका टाइम दे सकते हैं, मैं देता हूँ इसको 3:30 सेकेंड, 30 सेकेंड दे दिया मैंने मॉनिटर करने के लिए, ऐसा कुछ सा कुछ मॉनिटर करने के लिए, और नेक्स्ट में क्लिक किया। देन यहाँ पर क्या कि डिजायर्ड कैपेसिटी कितनी, तो मुझे इनिशियली 2 चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए 1, और मैक्सिमम मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, अभी हमारे इनिशियली क्या होगा, इनिशियली 2 हमारे इंस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे। इस ये हमने 2 लिखा, तो मिनिमम ये 1 हो सकता है और मैक्सिमम 4 हो सकता है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपली ये सब डिफॉल्ट रहने दीजिए, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक, देन एक बार और नेक्स्ट में क्लिक, देन नीचे आइए और सिंपली नेक्स्ट क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और हमने इसको क्रिएट कर लिया, क्रिएट हो रहा है। और ये क्रिएट देखिए यहाँ पर भी दिख रहा होगा अपडेटिंग कैपेसिटी, तो अपडेटिंग कैपेसिटी हो रहा है यानी कि हमारा जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर आपको अभी 3 ये ऑटोमेटेड दिख रहा है बट 2 आपको रनिंग दिखेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आइए और इसको इस ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज ये हमारा ग्रुप है, और यहाँ से एक्टिविटी में आना है। यहाँ पर देखिएगा कि ये 2 हमारा ये क्रिएट कर रहा है, EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहा है 0 to 2, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो ये जब तक नहीं हो जाए तब तक हम लोग यहाँ पर सेट नहीं कर सकते, तो इसको होने देते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको आगे का काम दिखाऊंगा, ओके। यहाँ सब चेक कर सकते हैं डिटेल में कि डिजायर्ड कैपेसिटी हमने 2 रखी थी, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम हमने 4 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग अभी क्या, अभी तक क्या करते थे, अभी तक हम लोग करते थे कि हमें अगर कम या ज़्यादा करना हो अपने इंस्टेंस को, तो हम लोग यहाँ पर आते थे एडिट में क्लिक करते थे और फिर यहाँ से हम लोग कम ज़्यादा करते थे, हम लोग इसको चेंज करते थे फिर होता, बट इसी को ऑटोमेट करना है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं इसी को ऑटोमेट हमें करवाना है, इंस्टेंस हमारा ऑटोमेटिकली ऐड हो और ऑटोमेटिकली रिमूव हो बेस्ड ऑन पॉलिसीज़, ओके। तो ये हमें देखना है फिलहाल, तो दोस्तों हमें चुपचाप यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा कि चीज़ें लॉन्च हो जाए पहले। जैसे एक्टिविटी में आते हैं वापस से, देखिए सक्सेसफुल सक्सेसफुल दिख रहा है, सक्सेसफुल हो गया। इंस्टेंस मैनेजमेंट में आते हैं, यहाँ पर आपको 2 इंस्टेंस दिखेगा, एक 701 है और एक 538 है, 2 इंस्टेंस इन सर्विस आपको दिख रहा है, मॉनिटर कर सकते हैं आप यहाँ से मॉनिटर करना हो तो, बट मॉनिटर नहीं करना हमें, बस इंस्टेंस मैनेजमेंट में ये 2 इंस्टेंस है। आप यहाँ इंस्टेंस में आइए, यहाँ आपको दिख जाएगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं एक बार, कस्टमर यहाँ दिख नहीं रहा, रीलोड किया मैंने, और बिलीव दिखना चाहिए, देखिए दिख रहा है 2, एक 538 और एक 701, 2, बाकी टर्मिनेटर वाला आप कीजिए इग्नोर। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ से स्टेट में रनिंग करते थे तो आपको सिर्फ 2 दिखेगा, टर्मिनेटर नहीं दिखेगा, ठीक है। सो अभी ये इनिशियलाइजिंग से, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ये काम हो रहा है, मतलब हो गया है। आप इसमें जाएंगे और अब इसका आप पब्लिक IP देखिए, पहले देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं, इसको रन करते हैं, और यहाँ पर आपको दिखना चाहिए वेब पेज जिसमें लिखा हो ये, तो ये काम कर रहा है,
और दूसरा वाला अगर आप देखेंगे इंस्टेंस, दूसरा वाला भी आपका काम करेगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। सो ऑल स्टेट वापस से रनिंग करते हैं। ओके तो ये दो हमारे पास इंस्टेंस है, ठीक है, ये हमने डिजायर्ड कैपेसिटी में लिखा था तो दो हमें मिल रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें एक पॉलिसी लगानी है। पॉलिसी में हम लोग ये लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो 50% से कम है तो हमें एक इंस्टेंस ही चाहिए, दो नहीं चाहिए। अगर 50 से ऊपर आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो उसमें दो चलाएगा। तो कम करने का मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा करने का मैं आपको दिखा नहीं सकता एग्जाम्पल, क्योंकि कम करने का हमारे पास ऑलरेडी कम में ये चल रहा है, इसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा कम ही होगा, बिकॉज इसमें कोई प्रोजेक्ट में कुछ बहुत बड़ा चीज़ रन, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रन हो नहीं रहा, तो कम वाला मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट मैं इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% अबव नहीं कर सकता, जिससे कि आप इसमें ऐड होता हुआ दिखें इंस्टेंस, बट रिमूव होता हुआ आपको दिख जाएगा। क्या करना है इसके लिए, हम लोग आना है ऑर्डर स्केलिंग ग्रुप में, देन डिजायर्ड कैपेसिटी आपको दिखेगा, अभी यहाँ पर दो दिख रहा है, आपको आना है इसमें, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक स्केलिंग, देन क्रिएट डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी, यहाँ से टारगेट, या तीन, यहाँ आपको अलग अलग पॉलिसी दिखती है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर आपको अलग अलग पॉलिसी दिखेंगी। अगर आप ऑटोमेटिक स्केलिंग में आते हैं तो एक क्रिएट डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी, दूसरा है क्रिएट प्रिडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसी, और तीसरा है क्रिएट शेड्यूल एक्शन पॉलिसी। तो पहले इसमें देखते हैं हम लोग डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी में, इसमें भी तीन चीज़ आपको मिलती है पॉलिसी टाइप, एक टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग, स्टेप स्केलिंग, और तीसरा सिंपल स्केलिंग, सेम ही है बट थोड़ा सा एडवांस फीचर्स लेकर आता है। टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग की बात करें तो यहाँ पर इसको रखिए, आप स्केलिंग का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी लिखना हो, और इसमें किस क्या आपको चेक करना है, मेट्रिक टाइप क्या होगा आपका। अगर आप क्लाउड वॉच वाला वीडियो आपने मेरा देखा हो तो मैंने आपको बहुत सारे मेट्रिक टाइप मैंने आपको दिखाएंगे, मेट्रिक का नाम था जब हम अलार्म क्रिएट करते थे, तो वही यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिखता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन पर मुझे करना है, वैल्यू कितना है 50%, 50% से कम रहेगा तो डिक्रीज होगा, 50% से अबव जाएगा तो इंक्रीज होगा। तो ये हमने 50 किया, और 50 के बजाय मैं यहाँ पर करता हूँ 40। ओके और ये इंस्टेंस वार्म अप टाइम है, यानी कितना समय लेगा स्विच करने में, सो इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर देखिए, यू कैन ऑप्शनली स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सेकंड दैट इट टेक्स फॉर अ न्यूली लॉन्च्ड इंस्टेंस टू वार्म अप, वार्म अप करने में कितना टाइम लेगा वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 30 दे दिया, और यहाँ पर ये कहता है कि क्या स्केल इन और स्केल आउट दोनों ही चाहिए आपको, या फिर सिर्फ स्केल आउट चाहिए। अगर सिर्फ स्केल आउट चाहिए तो आप इस बॉक्स को चेक करेंगे, ये डिजेबल कर देगा स्केल इन को। स्केल आउट मतलब होता है कि इंस्टेंस को बढ़ाना, और स्केल इन का मतलब होता है इंस्टेंस को घटाना, ठीक है। मुझे दोनों ही चाहिए, मैंने इसको रखा और सिंपली क्रिएट में क्लिक किया, और ये हमारा देखिए पॉलिसी क्रिएट होकर आपको दिख जाएगा, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। और ये जो पॉलिसी है इससे हमारा एक अलार्म सेट होता है, और वह अलार्म सेट होता है हमारे क्लाउड वॉच पे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लाउड वॉच में जाना है, क्लिक करके न्यू पेज ओपन करते हैं यहाँ पर, और यहाँ आपको दिखेगा ऑल अलार्म्स में दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी ये देखिए इनसफिशिएंट डेटा दिख रहा है, तो ये वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, 15 मिनट के लिए दिख रहा है कि 15 मिनट मिनिमम 15 मिनट। ये क्या करेगा, सी पी यूटिलाइजेशन लेस देन 36 फॉर 15 डेटा पॉइंट्स विद इन 15 मिनट्स, तो हमारा ये चलेगा। और इसमें है सी पी यूटिलाइजेशन 40 लेस देन 40 फॉर 3 डेटा पॉइंट्स विद इन 3 मिनट, तो ये कंडीशन चेक कर रहा है, मतलब कंडीशन लिखा हुआ है इसमें, और इसका नाम है और स्टेट है। अभी इसका सफिशिएंट डेटा इसको मिला नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें डेटा आने में, जैसे ही आएगा वैसे ही ये अलार्म ट्रिगर होगा हमारा, और इन अलार्म में हमें यहाँ पर दिखने लगेगा, और उसके बेस पर हमें हमारा ये स्केल आउट या स्केल इन होकर हमें मिलेगा ये जो एसजी है वो, और डिस्कलिंग ग्रुप। अभी डिटेल में हमने देखा था कि हमारे पास जो डिजायर्ड कैपेसिटी है वो 2 है, मिनिमम 1 है, 4 है यहाँ पर, और इंस्टेंस भी हमने देखा था कि हमारे पास अभी यहाँ पर 2 है। बस इसको ध्यान में रखिए और कीजिए वेट समय का, ओके तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा जब तक यहाँ पर डेटा आता है। देखिए डेटा हमारे पास आ गया, आपको ओके दिख रहा होगा। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि ये जो रेड वाली लाइन है, ये लाल वाली लाइन जो आपको स्ट्रेट दिख रही है, ये 40% इंडिकेट करती है, और ये आपको इंडिकेट करती है कि अभी आपका कितना रनिंग में चल रहा है। सीपीटेशन ग्रेटर देन 40 फॉर 3 डेटा पॉइंट्स विद इन 3 मिनट, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है डेटा। और एक और अलार्म है हमारे पास ये वाला, जिसमें आपको दिख रहा है सीपीटेशन लेस देन 36, तो इसके लिए ये आपको डेटा दिखाई दे रहा है। समय वेट करना पड़ेगा इस अलार्म के ट्रिगर होने का, जो कि मॉनिटर कर रहा है सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब कंडीशन चेक कर रहा है कि लेस देन 30% हो और विद इन अबाउट विद इन 15 मिनट, तो इसका वेट करते हैं। ये तो हो गया जो कि ग्रेटर देन चेक कर रहा है, बट लेस देन हमें चेक करवाना है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा इन अलार्म हो चुका है, जो हम जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, और यहाँ पर ये इन अलार्म में ये दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी, बट ये तो दिखेगा ही देखिएगा, ये सब कुछ यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं जो हमारा मेन है, यहाँ पर आपको अभी डिजायर्ड कैपेसिटी 2 दिख रहा है, इसमें जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये हमें कम होकर दिखना चाहिए, डिजायर्ड कैपेसिटी यहाँ पर 1 हो जाना चाहिए। देखिए 1 हो गया डिजायर्ड कैपेसिटी, यानी कि ये एक टर्मिनेट कर रहा है हमारा इंस्टेंस, यहाँ इंस्टेंस हमारा एक टर्मिनेट हो रहा होगा, क्योंकि दो इंस्टेंस आपको रनिंग दिख रहा है, ये एक टर्मिनेट हो रहा होगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, आप ऑर्डर स्केलिंग ग्रुप में आइए, ऑर्डर स्केलिंग ग्रुप में, अरे भाई लॉन्च में क्यों हो गया, क्या लफड़ा है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया,
और आप एक्टिविटी में आ सकते हैं। एक्टिविटी में आके आप यहाँ पर देखिएगा, वो एक कनेक्शन ट्रेनिंग इन प्रोग्रेस, ये टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डाउन कर रहा है, और आप इसको इंस्टेंस मैनेजमेंट में जाकर देख भी सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ये वाला, ये 701 को इसने सेलेक्ट किया टर्मिनेट करने के लिए, और ये हो रहा है किसकी वजह से, ये हो रहा है इस पॉलिसी की वजह से जो आपने यहाँ पर दिया हुआ। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा एज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन एट 40, 40 पर ये मॉनिटर करेगा कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर 40 से कम हो रहा है तो स्केल इन करेगा, मतलब जो इंस्टेंस अगर एक से ज़्यादा है तो उसको, मिनिमम से ज़्यादा है तो उसको नीचे करने की कोशिश करेगा कम से कम, जिसके जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि कौन कौन सेक्शन परफॉर्म करना है, ऐड करना है या फिर रिमूव करना है कैपेसिटी यूनिट एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड ऐड या रिमूव करेगा ये। तो यही है दोस्तों, इसमें इसको आप मोर स्पेसिफिक कर सकते हैं अगर आप कोई और पॉलिसी यहाँ पर क्रिएट करके उसका यूज़ करेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं, लेकिन ये हमने यहाँ से देखा कि हाँ इस तरीके से कुछ ये काम करता है। ओके, सो इनलाम ये हो गया और हमारा ये काम, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये इसने मॉनिटर किया हुआ यहाँ पर, ये बहुत देर से ये क्या है, इस 28% से नीचे, मतलब 40% से नीचे है, ये आपको बता दे रहा है कि 28% से भी नीचे, लेकिन ये 40% यहाँ पर मॉनिटर करेगा, 40% से नीचे, तो इसने इसको ट्रिगर किया और हमें ये एक टर्मिनेट होके दिख रहा है जो हमारा इंस्टेंस हुआ, यानी कि डिजायर्ड कैपेसिटी हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउन होगी। जो हम लोग मैनुअली करते थे पहले यहाँ पर आकर, वह अब हमें नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेस पे, और ये कम या ज़्यादा होता रहेगा। यहाँ पर एक्टिविटी में आइए, देखिए सक्सेसफुल हुआ या नहीं अभी तक, ये भी कनेक्शन ट्रेनिंग इन प्रोग्रेस ही है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। किसको सेलेक्ट किया, 701 वाज सेलेक्टेड फॉर टर्मिनेशन। तो जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पर और आपको यहाँ पर ये कम्प्लीटली टर्मिनेटेड दिखेगा, उस वक्त आपको यहाँ पर इंस्टेंस में आकर तो चेक कीजिएगा, यहाँ भी जो यहाँ रनिंग में दिख रहा है आपको ये 701, ये रनिंग में ना दिख के आपको टर्मिनेट, शट डाउन, टर्मिनेट ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये है पूरा इसका गेम, मतलब पॉलिसी सेट करने का, ऑटोमेटिक स्केलिंग पॉलिसी, जिसमें हमने अभी देखा टारगेट, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी से। अभी मैं आपको दूसरे और दिखा देता हूँ। तो दूसरों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लाउड वॉच में यहाँ पर अलार्म क्रिएट करने पड़ सकते हैं खुद के, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी। यहाँ पर आप टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग क्रिएट करने को, जब आप स्टेप स्केलिंग अगर क्रिएट करते हैं आप यह भी कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको ये सिंपल स्केलिंग दिखाता हूँ, तो सिंपल स्केलिंग देख लीजिए, स्केलिंग नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एकदम सिंपल स्केलिंग, ये एल ऊपर होता है ना, सिंपल स्केलिंग, सिंपल स्केलिंग इसका नाम रखा हमने, 1 लिख दिया। और यहाँ पर आपको कहेगा कि चूज़ एन अलार्म दैट कैन स्केल कैपेसिटी व्हेनेवर, तो आपको यहाँ पर एक अलार्म सेट करना पड़ेगा। अब अलार्म हमारे पास कोई है नहीं, उसको आप रीलोड कभी करके देख लेंगे, हमारे पास कोई अलार्म है नहीं अपना खुद का। आपको क्लाउड वॉच यहाँ पर क्लिक करके क्लाउड वॉच में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट मैट्रिक में क्लिक किया, देन यहाँ से आपको जाना है ईजी टू, देन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और यहाँ पर इस ग्रुप के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर सीपी यूटिलाइजेशन, कहाँ क्या भाई अगर मिल जाए मुझे, मैं यहाँ पर पूरे ग्रुप के लिए कर रहा हूँ सीपी यूटिलाइजेशन, देखिए ये वाला, ये क्या कोई अलार्म नहीं है इसका। सेलेक्ट मैट्रिक में क्लिक करते हैं, ये नाम वगैरह आप देख लीजिए, वो यहाँ पर जो आपको 15 मिनट दिख रहा था ना, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा था 15 मिनट, 3 मिनट, इसको आप पीरियड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ सब चेंज कर सकते हैं। सो 5 मिनट हमने लिख दिया इसको, ऑटो स्केलिंग ग्रुप नेम सेम रहेगा, स्टैटिक्स आपकी एवरेज रहेगी, और नाम आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं बट सेम रहने दीजिए, बेटर रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर थ्रेशोल्ड अपना चूज़ कर सकते हैं, जो थ्रेशोल्ड आपको यहाँ पर मिल रहा था, मतलब टारगेटिंग वाला जो हमने चूज़ किया था उसमें, तो इसमें आपको एक पर्टिकुलर मिलता है कि हाँ 40 पे एवरेज आपको देखना है कम या ज़्यादा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड करना चाहते हैं, ये थ्रेशोल्ड हो गया हमारा मान लीजिए 30, तो ग्रेटर देन 30 होगा तब ये अलार्म हमारा ट्रिगर होगा, या फिर आप ग्रेटर देन इक्वल टू इस थ्रेशोल्ड के चाहते हैं, या फिर आप लोअर देन इक्वल, लोअर और इक्वल थ्रेशोल्ड चाहते हैं, या फिर आप लोअर देन थ्रेशोल्ड चाहते हैं, क्या चाहते हैं उसके बेस पे ये करेगा। अगर लोअर देन 30 आपने कर दिया तो, और आप अगर इसको नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, या फिर आपको ये सब कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, अलार्म का नाम लिखिए कि लोअर देन 30 लिखा, यहाँ पर लिख दीजिए लोअर देन 34 SG1, ये डिस्क्रिप्शन इसका ऐसे लिख दिया हुआ, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और ये आपका एक अलार्म देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया, मतलब क्रिएट अलार्म में क्लिक करना पड़ेगा जहाँ से बात है, और ये एक अलार्म हमारा इनसफिशेंट डेटा भी आपको दिखाई देगा। इस अलार्म को हम लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आना है, इसको रिलोड कीजिए, और लोअर देन 30 हमने इसमें चूज़ किया। अब इसमें क्या करना चाहते हैं आप, जब आपका सी पी यू रिलेशन लेस देन 30 हो फॉर 1 कंजिक्यूटिव पीरियड फॉर 300 सेकेंड्स फॉर द मेट्रिक डायमेंशन, तब क्या करना चाहते हैं आप, ऐड करना चाहते हैं कैपेसिटी को या फिर रिमूव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हैं। मैं ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव तो हमारा वैसे ही मिनिमम कैपेसिटी पर है तो रिमूव तो और होगा नहीं, आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड करके यहाँ पर 1 लिखिए, 1 लिखा मैंने, फिर कैपेसिटी यहाँ पर यूनिट रह देते हैं, हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 30 सेकेंड, एंड क्रिएट में क्लिक किया और ये हमारा एक यहाँ पर बन गया। मैं
ये वाला डिलीट कर देगा, यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। तो ये हमने डिसेबल कर दिया, या फिर डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो हमने ये डिलीट कर दिया। ओके, तो हमारे पास एक सिंपल स्केलिंग है जो कि 1 मिनट पे ये देखेगा 30, लोअर देन 30 है, तो ये ऐड करेगा 1 कैपेसिटी यूनिट। और जैसे हमने ये किया, ये देखिए ब्रिज भी हो गया हमारा, मैं आपको दिखा नहीं पाया, देखिए ये ब्रिज हो गया, इन अलार्म आपको हो गया तुरंत ही, वैसे हमने यहाँ पर सेट किया था बहुत ही कम इसी वजह से। सो ये क्विकली हो गया हमारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 से लेस में हुआ है, तो हमारा क्या हुआ होगा। यहाँ पर आप ऑटो स्केलिंग में आइए, आई डोंट, देखिए हमारा डिजायर्ड कैपेसिटी ऑटोमेटिकली 2 हो गया, बिकॉज हमने इसमें कहा था जब हम लोग ये अलार्म क्रिएट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ऐड करना है, इस पॉलिसी को ऐड करते वक्त हमने कहा था कि ऐड करना है अगर लेस देन 30 होता है, तो उसने ऐड किया और डिजायर कैपेसिटी हमारी 2 कर दी, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग वाला था सक्सेसफुल हो जाएगा, एक लॉन्च हो रहा है। ओके, तो इंस्टेंस में आइए और इसको कीजिए रीलोड। 701 आपका टर्मिनेट हो गया होगा, देखिए 701 टर्मिनेटेड, और एक अभी आपका चलेगा, रनिंग में आते हैं, देखिए 2 आपका चल रहा है। तो ये एक पैसा था, अभी 171 हमारा अभी क्रिएट हुआ, इनिशियलाइजिंग में दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से अलग अलग अलार्म क्रिएट करके और उसको स्केलिंग, मतलब उसको आप पॉलिसीज में लगा कर, ये चल ले आए फिर मैं आपको बताता हूँ, इसको पॉलिसीज में यहाँ पर लगाकर आप अपना काम कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है जी, ये हो गया। अभी आपको एक और दिखाता हूँ, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा बिकॉज काम वही करना है। सिंपल स्केलिंग में आपको दिखाया था, इसमें आप ऐड रिमूव जो करना कर सकते हैं, या फिर आपको पर्टिकुलर सेट करना हो तो आप सेट भी कर सकते हैं, कितने में सेट हो जाए हमारा वो भी कर सकते हैं। एक है स्टेप स्केलिंग, जिसमें आप स्केलिंग का नाम रखेंगे, फिर उसी तरीके से आपको अलार्म सेट जो भी करना हुआ कीजिए, और यहाँ पर आप अपना क्या एक्शन परफॉर्म करना हुआ सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं और भी स्टेप। जैसे मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, मैंने 1 लिख, ठीक है, एक अलार्म मिले हम लोग को देना पड़ेगा। स्टेप मिले मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम लोग इसमें देते हैं इसको और इसमें रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये रिमूव करेगा। इसमें आप एक और स्टेप डाल सकते हैं, ये एक और डाल दिया मैंने कि भाई 30% 1, जब इतने परसेंट पे, इतने पे हमारे सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन इक्वल रहे तो ये हो, और जब इतने पे रहे तो ये हो। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमारी चीज़ें अलार्म एग्जीक्यूट होती जाएंगी, वह कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेप स्केलिंग में, तो नाम से ही पता चलता है, इसको करते हैं कैंसिल, और यही है बस, इसमें इतना ही है, ठीक है। इसको डिलीट करना हो, डिलीट आप कर सकते हैं यहाँ से, डिलीट में क्लिक कीजिए, बटन पर क्लिक कीजिए और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी, हो गया। उसके बाद अगर नीचे आते हैं आप, ये प्रेडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसी पे, इस पर क्या होता है कि प्रेडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसी आर पॉलिसीज यूज हिस्टोरिकल डेटा टू स्केल आउट योर ग्रुप अहेड ऑफ फोरकास्टेड आवर्ली लोड। तो ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा ये स्केल आउट करते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्केलिंग का नाम लिखना है, और यहाँ पर आप स्केल बेस्ड ऑन फोरकास्ट पे इसको ऑन कर देना है, जिससे कि ये आपका एक्शन परफॉर्म करें। देन आप यहाँ पर जो मैट्रिक है वो आप चूज़ कर सकते हैं, सिपुलेशन नेटवर्क यूजेज और कितने परसेंट पे वो आप चूज़ कर सकते हैं, और जो आपका टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं, प्री लॉन्च इंस्टेंस का जो टाइमिंग है, और क्रिएट में क्लिक कीजिए, आपका ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट वन है, जिसमें हम मेडिकल स्केलिंग में पहले आते हैं, एक लास्ट है जिसमें हम लोग क्रिएट करते हैं शेड्यूल एक्शन। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं आप, इसमें आप अपना नाम लिखिए, जो भी नाम लिखना है इसका, जैसे माय शेड्यूल ये लिखा, जो भी आपका नाम रखना हो नाम रखिए। और डिजायर्ड कैपेसिटी आपको क्या चाहिए, मुझे डिजायर्ड कैपेसिटी चाहिए हमारे 5, और मिनिमम हमारे पास 1, और मैक्सिमम हमारे पास 10, और ये आपको कितनी बार करना है, रिकरेंस इसका सेट करना है, एवरी 5 मिनट में करना चाहते हैं, एवरी 30 मिनट में, या फिर एक बार करना है, या फिर क्रॉन करके आप यहाँ पर अपना खुद का डिफाइन करना चाहते हैं कि हर दुर्गा पूजा में हो या फिर हर दिवाली में हो, वह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वंस मैंने, या फिर आप एवरी 30 मिनट करते हैं, तो जो भी आपको करना हो वह आप कर सकते हैं, बट वंस किया मैंने। तो इसमें वंस करने के बाद आपको टाइम जोन यहाँ से सेट करना है, तो आप टाइम जोन सेट कर सकते हैं, और ये जो एक्शन है ये वेरी फर्स्ट टाइम कब रन करें वह आप यहाँ पर टाइम देते हैं कि वेरी फर्स्ट टाइम कब ये रन करें। एक बार तो कम से कम इसको देना पड़ेगा ना कि कब होगा, उसका आप डेट यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, डेट और टाइम डिफाइन कर सकते हैं, आप क्रिएट कीजिए कर सकते हैं। जैसे बिग बिलियन डे के दिन होता है, तो बिग बिलियन डे मतलब फ्लिपकार्ट वाला उन्होंने किया होगा इस तरीके से, बिग बिलियन डे ऐसे लिखा। उनको डिजायर कैपेसिटी उस वक्त चाहिए होगी, मान लीजिए कि 10 इंस्टेंस पे उनका रन करेगा, मिनिमम 1 से उनका चलेगा ही नहीं, तो 5 दे दिया मिनिमम उन्होंने, और इसमें दे दिया 20, ठीक है। अब ये हर एक दुर्गा पूजा में होना चाहिए, तो उसका आप यहाँ पर क्रॉन जो भी होते देते हैं, हम लोग यहाँ पर वंस मांग के चाहिए, यहाँ पर एवरी वीक हम लोग मांग के चलते हैं, एवरी वीक का क्रॉन ये होता है, आप हर दुर्गा पूजा पे कीजिएगा तो आपको क्रॉन वहाँ पर डेट डिफाइन करना पड़ेगा। और इनिशियली हम लोग चाहेंगे कि इस दुर्गा पूजा पर ये हो जाए, या फिर दीपावली पूजा, दीपावली आने वाली है तो दीपावली पर हो जाए, दीपावली तो वैसे तो ख़त्म ही होने को है, बट हम लोग चाहते हैं कि 31 तारीख को ही हो जाए, तो 31-30 तारीख को इस दीपावली के दिन ये ट्रिगर हो जाए और हमारे पास 10 कैपेसिटी चली जाएगी, और फिर मिनिमम 5 और मैक्सिमम इतना हो जाए, ये आप ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यही है दोस्तों, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, बिकॉज ये मैं करने वाला नहीं हूँ,
बस ऐसे उनको दिखा रहा था जाने के लिए। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप इसमें ऑटोमेटिक स्केलिंग में इतना ही यूज़ करते हैं। ओके तो मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा इसको ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आते हैं और सिंपली देखिए अपनी ये 3 हो गया बिकॉज ये वही ट्रिगर कर रहा है, एक बार वो ट्रिगर कर गया हमारा अलार्म 30% लेस वाला, इसी वजह से आपको एक बार और दिख गया वो एक और कैपेसिटी ऐड होके। इस तरीके से करेंगे तो हमारा कैपेसिटी भर जाएगा इसमें। अगर ये अलार्म हम लोग लगा के छोड़ दें यहाँ पर, ये रिमूव ना करे सिर्फ ऐड ही करता जाए तो ये भर जाएगा। तो वैसे तो हमने डिलीट कर दिया है बट ये भर जाता है। तो ये है दोस्तों, और इसमें कुछ खास है नहीं, मेरे पास 3 इंस्टेंस आ गए होंगे, देखिए 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको रिमूव करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली ऑल अलार्म्स में आते हैं यहाँ पर, इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ और मैं सिंपली इसको करूँगा, अगर ये रिमूव नहीं हुआ होगा तो इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, एक्शन में आया और इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमें खुद से क्रिएट किया था, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और ये मुझे नहीं चाहिए ये SG, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आके इसको डिलीट में क्लिक कीजिएगा, तो ये डिलीट आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ से। और ध्यान रखिए इसमें टाइम लगता है बहुत, बिकॉज ये हर एक इंस्टेंस को डिलीट करता है इसी वजह से, तो ये गोल गोल घूमता रहेगा कम से कम 10 से 15 मिनट तक। ओके ये सब 0-0 हो गया, जेड कैपेसिटी सब कुछ 0-0, और एक एक करके ये इंस्टेंस टर्मिनेट करेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिकॉज ये इसी से बिलोंग करता है इसी वजह से। बाकी लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, ये सब आपका एज इट इज़ रहेगा, बट ध्यान रहे कि इंस्टेंस ही आपका डिलीट कर देगा जब भी आप SG डिलीट करते हैं। तो ये दिखाने की वजह इसका मकसद था। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और चैनल में आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ये वाली प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।